लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वीकली जजमेंट्स 8 to 15 January 2023। स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं वो लैंडमार्क जजमेंट्स बनती हैं, वो लॉ सेट करती हैं, वो प्रेसिडेंट्स की तरह एक्ट करती हैं। तो ये सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं जबकि मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड विद दीज जजमेंट्स। तो हमारा आज के इस सेशन में एम यही रहेगा कि हम आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दें इन जजमेंट्स का एंड आगे बढ़ते हैं इन जजमेंट्स के साथ। आज के टॉपिक्स रहेंगे, आज के हम इस सेशन में टॉपिक्स की डिस्कशन करेंगे, कुछ रिलीफ दिया है सिक्किमीज वुमेन को आर्टिकल 14, 15 एंड 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, स्टेट्स को पावर दी गई है कि वो कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट कर पाए फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, एडवर्स इन्फ्लुएंस आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो जस्ट बिकॉज प्लेंटिफ ने अपना बैंक की पासबुक को प्रोड्यूस नहीं किया, एक डिग्री ऑफ पोजेशन नहीं दी जा सकती जस्ट बिकॉज डिफेंडेंट्स ने अपने टाइटल को इस्टैब्लिश नहीं किया, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर होता है। अगर प्लेंटिफ अपना केस इस्टैब्लिश नहीं कर पाता एंड डिफेंडेंट भी नहीं कर पाता तो केस डिसमिस होगा, इसका जो फेवर है वो प्लेंटिफ को नहीं मिलेगा। इट प्रोहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स इनटू फ्लोर वाइज अपार्टमेंट्स इन चंडीगढ़ फेज वन। चंडीगढ़ वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज जो स्मार्ट सिटीज थी, तो इसलिए जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं उनको जब फ्लोर वाइज अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोहिबिट किया है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो डाउरी डिमांड के लिए फाइल करी गई थी उनको आप क्वॉश नहीं कर सकते जस्ट ऑन द ग्राउंड की डाइवोर्स पिटिशन पेंडिंग है। Reasonable time should be given for investigation. हर एक authority को, investigation authority को reasonable time देना जरूरी है कि वो अपना काम proper तरीके से कर पाएं और Supreme Court ने यही एक direction दी है एक case के अंदर। Supreme Court ने direct किया है center को कि वो disburse करे areas जो one rank one pension के लोगों के हैं, ये इसमें बहुत सारे beneficiaries हैं जो इसका wait कर रहे हैं इन areas का, तो Supreme Court की direction है कि आप जल्द से जल्द इस areas को clear करें। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ये बोला कि वुमेन ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया था ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एंड इसलिए उन्होंने बोला फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मैरिज होनी चाहिए, मैरिज एज होनी बहुत जरूरी है मेन एंड वुमेन के लिए। 11th में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनॉग्रेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। लाइव स्ट्रीमिंग की बात चल रही है और ये बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होना चाहिए सारे कोर्ट्स के लिए। Order 26 Rule 9 of CPC, एक एडवोकेट कमिश्नर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जब बात हो रही है कि देर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया एलिवेशन ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर एज गुवाहाटी हाईकोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया प्रपोजल फॉर एलिवेटिंग टू जुडिशियल ऑफिसर्स एज जजेस इन मणिपुर हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया एलिवेशन ऑफ टू जुडिशियल ऑफिसर्स एज जजेस इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया एलिवेशन ऑफ नीला गोखले एज बॉम्बे हाई कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रेकमेंडेशंस करी अपॉइंटमेंट्स के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट के जजेस के लिए। ठीक है, तो ये सारे थे आपके टॉपिक्स जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एंड अब बढ़ते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया है सिक्किमीज वुमेन को और बात करी है आर्टिकल 14, 15 एंड 21 की। जब हम आर्टिकल 14, 15 एंड 21 की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और इनको इन्फोर्स कराने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, आप कोर्ट तक जा सकते हैं। केस का नाम है एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखने की बात है कि पेपर में कभी कभी इन केसेस के नाम भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है कि कौन से जजेस थे, तो कोरम क्या थी, कोरम थी आपकी जस्टिस MR शाह एंड BV नागरत्ना, ये आपकी कोरम थी, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। 13 जनवरी 2023 की ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब हम एक्सक्लूड कर रहे हैं सिक्किमीज वुमन को जो मैरी नहीं किया है नॉन सिक्किमीज मैन को, हु मैरी नॉन सिक्किमीज मैन आफ्टर 1st April 2008 from the exemptions under the Income Tax Act, it is unconstitutional and amounts to gender discrimination. Basically, कोई भी ऐसी lady, कोई भी ऐसी Sikkimese woman जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने marry किया है non-Sikkimese men को, उनको आप exclude नहीं कर सकते हो benefits from Income Tax Act after April 1, 2008. अगर आप ऐसा करते हो तो इसको unconstitutional माना जाएगा and ये gender discrimination की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है और क्या वायलेट करता है, हमारा आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। बात ये होती है कि जब भी एक विमेन की बात करते हैं उसकी जेंडर इक्वालिटी की बात करना बहुत जरूरी है, एंड ये एक जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, इट इज कंसिडर्ड एज अ विक्ट्री, इट इज कंसिडर्ड एज अ विक्ट्री फॉर द विमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वालिटी। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये बात डिसीजन रखते हुए ये भी बोला कि अ वुमेन इज नॉट अ चैटल एंड हैज एन आइडेंटिटी ऑफ हर ओन, उनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है, एंड मेयर फैक्टम ऑफ बीइंग मैरिड और नॉट टेक अवे दैट आइडेंटिटी। सो बेसिकली शादी सिक्किमीज मेन से हुई या नहीं हुई, या शादी हुई या नहीं हुई, उससे आप उनकी आइडेंटिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। जस्टिस एम आर शाह एंड जस्टिस बी वी नागराथन ने ये ऑब्जर्व किया for Sikkimese women. So this is like a victory for the Sikkimese women and article 14, 15 and 21 ki is case mein baat ki gayi. Theek hai. Second baat karte hain, states have the power to constitute committee on uniform civil code. Uniform civil code ki students baat kari gayi and case ka naam hai Anoop Baranwal versus Union of India. 9th January ki ye judgment hai aur quorum kya tha? DY Chandrachud jo hamare Chief Justice of India hai and Justice P.S. Narasimha. इन्होंने क्या बोला, एक PIL आई जिन्होंने चैलेंज किया स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड गुजरात की डिसीजंस को, जहां पे स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड गुजरात ने ये डिसीजन लिया था कि वो कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करेंगी टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जब बात करते हैं हम आर्टिकल 162 की, तो आर्टिकल 162 क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट होता है जो एक्सटेंड करता है टू लेजिस्लेटर कि वो अपने डिसीजंस बना पाए, वो अपने डिसीजंस बना पाए विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स which state has the power to make law. Entry 5 जो होती है आपकी concurrent list की, concurrent list जो हमारी 7th schedule में दी गई है, students हमारी list 7th schedule में दी गई है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आप constitute कर सकते हो committees and it cannot be challenged as ultra vires. तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारा उत्तराखंड था, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करी, किस चीज के लिए, रेलेवेंट लॉज के लिए विच रेगुलेट द पर्सनल सिविल मैटर्स ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड, और उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाने की बात करी जिसमें उन्होंने सजेस्ट करने थे चेंजेस किस किस बात पर, मैरिज लॉस पर, डाइवोर्स लॉस पे, प्रॉपर्टी राइट्स पर, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस पे, अडॉप्शन पे, मेंटेनेंस पे एंड कस्टडी एंड गार्डियनशिप पे। अब क्या हुआ, जब ये कॉन्स्टिट्यूट करी इन्होंने कमिटी, तो इन्होंने एक और बात करी, इन्होंने ये बोला कि इस कमिटी का एक टास्क ये भी होगा कि वो एक रिपोर्ट बनाएगी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड, एक रिपोर्ट बनाएगी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड। और इस केस में ये बात करी गई कि जब एक स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहती है कुछ रेलेवेंट लॉज के बारे में, अपने स्टेट लॉज के सब्जेक्ट के बारे में जो उनकी लिस्ट में अलाउड है, जो आर्टिकल 162 उनको अलाउ करता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक PIL के अंदर जब इस गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया गया, तो इस PIL को रिफ्यूज कर दिया, इस PIL को डिसमिस कर दिया एंड बोला गया कि जी हाँ, हर एक स्टेट के पास पावर है कि वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करते हुए अपने लिए स्टेट लॉज के अंदर अगर एक कमिटी फॉर्म करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या ध्यान रखना है कि कोरम क्या था, केस का टाइटल क्या था और बात क्या हुई, ये हमारे PT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, एडवर्स इन्फ्रेंस कैन नॉट बी ड्रॉन अगेंस्ट अ प्लेंटिफ मेनली बिकॉज ही डिड नॉट प्रोड्यूस हिज पासबुक। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है कि इस केस में एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जब सूट आया तो इसमें ट्रायल कोर्ट ने जो किया, डिक्री पास कर दी, डिक्री सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो हमारा हाई कोर्ट था उन्होंने सेट असाइड कर दी ये डिक्री, उन्होंने ये डिक्री सेट असाइड कर दी। क्या ग्राउंड लिया उन्होंने, ये ग्राउंड लिया कि प्लेंटिव जो है वो रेडी एंड विलिंग है टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रूव नहीं हुआ था, कुड नॉट प्रूव, कुड प्रूव, ओके।
और क्या बोला कि सफिशिएंसी ऑफ फंड्स है या नहीं है, ये प्लेंटिफ प्रूव नहीं कर पाया। इस बेसिस पे हाई कोर्ट ने ये डिक्री को सेट असाइड कर दिया। जब केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ करा एंड ट्रायल कोर्ट की डिक्री को रिस्टोर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा कि एडवर्स इंफरेंस आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो अगेंस्ट अ प्लेंटिफ इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर उसने अपनी पासबुक को प्रोड्यूस नहीं किया है अंटिल एंड अनलेस इट वाज कॉल्ड अपॉन द कोर्ट टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, सेक्शन 16 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात ये करते हैं। सेक्शन 16 बात करता है कि जब तक प्लेंटिफ को बोला नहीं गया है कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जैसे कि हमारी पासबुक, इधर बाय द डिफेंडेंट और द कोर्ट ऑर्डर्स हिम टू डू सो, नो एडवर्स इंफरेंस कैन बी ड्रॉन। तो बेसिकली कोर्ट के पास भी पावर थी और डिफेंडेंट भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए इनको बोल सकता था कि आप अपनी पासबुक को प्रोड्यूस करो। अगर ऐसा नहीं बोला गया तो आप एडवर्स इंफरेंस ड्रॉ नहीं कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ करते हुए ट्रायल कोर्ट की डिग्री को रिस्टोर कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके पीटी और मेंस के पॉइंट से। कोरम थी जस्टिस एम आर शाह एंड बी वी नागरथन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है एडवर्स इंफरेंस ड्रॉ नहीं कर सकते हो प्लेंटिफ के ऊपर मेयरली बिकॉज उसने अपनी पासबुक प्रोड्यूस नहीं करी। ये कहाँ पे बोला गया है? ये बसवराज वर्सेस पद्मावती के केस में बोला गया है 5 जनवरी 2023 की ये जजमेंट है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पोजेशन कांट बी पास इन फेवर ऑफ अ प्लेंटिफ मेयरली बिकॉज डिफेंडेंट्स कुड नॉट फुली एस्टैब्लिश देयर टाइटल। तो जब हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो जो इंसान अपना एक केस फाइल करता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है कि वो अपने केस को प्रूफ करे अंटिल एंड अनलेस प्रिजम्पशन अदरवाइज है। तो यहाँ पे एक सूट फॉर डिक्लेरेशन आया और ये बोला गया कि अगर अगर डिफेंडेंट अपना केस एस्टैब्लिश नहीं कर पाया उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेंटिफ के फेवर में डिग्री को पास कर दें। तो फैक्ट्स क्या थे केस के? फैक्ट्स थे कि 1986 में एक टाइटल सूट को फाइल किया गया, फॉर प्रेइंग डेक्लेरेशन दैट महारानी चंद्रता देवी इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी कोश महल। उन्होंने बोला कि जो ये महारानी है ये कोश महल की ओनर है, इसका एक डेक्लेरेशन होना चाहिए। 1996 में ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? डिक्री पास कर दी इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्या किया? गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोला कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ डिस्चार्ज नहीं कर पाया, और अपनी ओनरशिप को नहीं एस्टैब्लिश कर पाया, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बात बोली कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर प्लेंटिफ अपने बर्डन को डिस्चार्ज ना कर पाए और अपनी लीगल ओनरशिप को इस्टैब्लिश ना कर पाए तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आप डिफेंडेंट को डिस्पोज ऑफ कर दोगे उस प्रॉपर्टी से जब तक प्लेंटिफ अपने केस को इस्टैब्लिश ना कर पाए। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है अपने केस को फुलफिल करने का? प्लेंटिफ के ऊपर है। और अगर प्लेंटिफ अपने केस को नहीं प्रूफ कर पा रहा तो उसका बेनिफिट आप प्लेंटिफ को नहीं दोगे। सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है? बोथ द पार्टीज अगर फेल कर जाती हैं, बोथ द पार्टीज जैसे कि आपका प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फेल कर जाती हैं प्रॉपर एविडेंस देने के लिए, प्रॉपर अपना केस को केस के लिए एविडेंस देने के लिए, तो उसमें उस केस में क्या होगा? आपका सूट फेल कर जाएगा, और आप इसका बेनिफिट प्लेंटिफ को नहीं देंगे। ठीक है, ये बात करी गई इस केस में। अब बात करते हैं केस का नाम क्या है, स्मृति देवराना वर्सेस प्रभा रंजना देवरामा। ठीक है, कोरम क्या थी? जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड जेके महेश्वरी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि डिग्री ऑफ पोजेशन आप नहीं दे सकते हो प्लेंटिफ को जस्ट बिकॉज डिफेंडेंट अपना केस एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, अपना राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। अगर केस प्लेंटिफ ने फाइल किया है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्लेंटिव की है कि वो अपना केस को एस्टैब्लिश करे, प्रॉपर एविडेंस दे। डिफेंडेंट्स को आप डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे जब तक प्लेंटिफ अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाएगा। ओनर्स ऑफ प्रूफ डेफिनेटली शिफ्ट होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट सबसे पहले किसका ओनर्स ऑफ प्रूफ है? प्लेंटिफ का है कि वो अपना केस को प्रूफ करे। इन एब्सेंस ऑफ सच एविडेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। एंड अगर वो ये चीज डिस्चार्ज नहीं कर पाता, अगर वो अपना टाइटल एस्टैब्लिश नहीं कर पाता, तो आप उसका बेनिफिट उसको नहीं देंगे।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट करा है कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स इनटू फ्लोर वाइज अपार्टमेंट्स इन चंडीगढ़ फेज वन टू प्रोटेक्ट कॉर्बुसियर हेरिटेज। सो बेसिकली केस का नाम है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये एक स्पेशल लीव पिटीशन थी जिसका डिसीजन आया 10 जनवरी को। कोरम क्या थी, जस्टिस बी आर गवई एंड बी वी नगरथन। इसमें बेसिकली क्या हुआ, 2001 के जो रूल्स थे, 2001 के रूल्स को रिपील कर दिया गया था जो ऐसी प्रैक्टिसेस को अलाउ करता था। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोहिबिट किया कि कन्वर्जन ऑफ इंडिपेंडेंट जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं आप उनको अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और क्या रीजन था, वो प्रिजर्व करना चाहते हैं हेरिटेज ऑफ स्टेट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला और उन्होंने ये जो रैम्पेंट प्रैक्टिस चल रही है जहां पे रेजिडेंशियल यूनिट्स को अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, उन्होंने इस चीज को पूरा का पूरा प्रोहिबिट करा और क्या बोला, इन व्यू ऑफ द हेरिटेज स्टेटस ऑफ इंडिया फर्स्ट प्लान सिटी, चंडीगढ़ इज फर्स्ट प्लान सिटी एंड इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रैम्पेंट कन्वर्जन हो रहा है रेजिडेंशियल यूनिट्स इनटू अपार्टमेंट, इसको मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। एक प्रॉपर बैलेंस की जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, एंड इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना किया। चंडीगढ़ जो है वो फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इट हैज आल्सो रिसीव्ड इंटरनेशनल अक्लेम फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड अर्बन डिजाइन, जिसको अब डिस्ट्रॉय करा जा रहा है कैसे, कन्वर्जन कर करके अपार्टमेंट बना बना के। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेड मेकिंग ऑफ एनवायरमेंटल असेसमेंट एज मैंडेटरी फॉर अर्बन डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कौन से केस में हुआ है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, कौन से जस्टिसेस थे वो भी ध्यान रखना है, एंड क्या बोला गया और क्या रीजन था ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर डाउरी डिमांड कैन नॉट बी क्वॉश्ड मेरली बिकॉज डाइवोर्स पिटीशन इज पेंडिंग। अगर एक केस में डाउरी डिमांड के लिए एफआईआर हुई है, डाउरी डिमांड के लिए एफआईआर हुई है 498A ऑफ आईपीसी के अंडर रेड विद अदर सेक्शंस, इस एफआईआर को आप क्वॉश नहीं कर सकते हो मेरली ऑन द ग्राउंड कि आपकी एक डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग है। ठीक है, ये 4 जनवरी का जजमेंट है, जस्टिसेस एम आर शाह एंड सी टी रवि कुमार इसके जजेस थे। इसमें क्या हुआ था, जो हस्बैंड थे उन्होंने एक फाइल करी थी डाइवोर्स पिटीशन ऑन द ग्राउंड दैट हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। वाइफ ने उसके बाद एक एफआईआर लॉन्च करी जहां पे उसने ये बोला कि उसका पति उससे लग्जरी कार डिमांड करता है, डाउरी डिमांड करता है। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, उन्होंने इस एफआईआर को क्वॉश कर दिया ये बोलते हुए कि ये एक बोगस एफआईआर है और ये बाद में फाइल करी गई है जबकि डाइवोर्स पिटीशन हस्बैंड ने पहले ही फाइल कर दी थी। जब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में गई बाय द वाइफ तो ये नोटिस किया गया कि चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। चार्जशीट जब फाइल हो चुकी है और प्राइमा फेसाई केस बन चुका है हस्बैंड के ऊपर, तो हमारा जो हाईकोर्ट है वो क्वॉश नहीं कर सकता एफआईआर को। सेक्शन 482 के अंदर जब हाईकोर्ट क्वॉश करता है एक एफआईआर तो उसको बहुत ध्यान रखना होता है और देखना होता है कि कोई भी प्रेजुडिस ना कॉज हो, कोई भी पार्टी का नुकसान ना हो। तो बेसिकली अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर डिमांड ऑफ डाउरी कैन नॉट बी क्वॉश्ड मेनली बिकॉज एक डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, रीजनेबल टाइम देना जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब हम अपनी पुलिस अथॉरिटीज की बात करते हैं, जब हम अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की बात करते हैं, तो ये जरूरी है कि आप उनको प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट टाइम दें कि वो एविडेंस को कलेक्ट कर पाए एंड तभी प्रॉपर अपने केस को प्रूव कर पाए, चार्जशीट फाइल कर पाए कोर्ट के सामने। एक ऐसे केस में जहां पे एक यूट्यूबर मरिदास मलकमी के अगेंस्ट एक एफआईआर हुई थी कि उन्होंने कुछ ट्वीट किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो इस एफआईआर को क्वॉश कर दिया गया सिर्फ चार दिन में इस एफआईआर को क्वॉश कर दिया गया और प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हेल्ड किया कि आपको प्रॉपर टाइम देना जरूरी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, 4 दिन के अंदर आप एक एफआईआर को क्वॉश नहीं कर सकते हो, और मद्रास हाईकोर्ट का जो ये डिसीजन था इसको सेट असाइड किया। केस का नाम है स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेज मरिदास एंड अनदर, कोरम था
जस्टिसेस एम आर शाह एंड सी टी रवि कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन, जहां पे उन्होंने क्या किया था, जो एफ आई आर थी अगेंस्ट यूट्यूबर मरीदास मलिकमी फॉर एन एलिजिड ट्वीट, उसको उन्होंने क्वाश कर दिया था। ये एफ आई आर हुई थी स्टूडेंट्स 9/12/21 को, और नेक्स्ट डेट पे इन्होंने फाइल कर दी थी क्वेश्चन पिटिशन। और ऑर्डर कब आ गया था हाईकोर्ट का, ऑर्डर ऑफ हाईकोर्ट आ गया था 14/12/21 को। तो रीजनेबल टाइम कहाँ दिया गया, रीजनेबल टाइम तो दिया ही नहीं गया। हाईकोर्ट को रिजिस्ट करना चाहिए और हेजिटेट करना चाहिए इतना स्पीडी एक्ट करने के लिए, इतना स्पीडी एक्ट नहीं करना चाहिए। जो कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट था वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट था रिगार्डिंग द चॉपर क्रैश, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की डेथ हुई थी और 12 और लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 8 पॉइंट की। वन रैंक वन पेंशन, ये एक ऐसी स्कीम है जहां पे सेम पेंशन दी जानी चाहिए सेम रैंक के लोगों को फॉर द सेम लेंथ ऑफ सर्विस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट। और कौन से लोग हैं जो इस पेंशन से वन रैंक वन पेंशन के बेनिफिशियरीज हैं, इंडियन आर्म फोर्स और वेटरन्स। तो ये ऑर्डर है 9 January का, केस का नाम है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा। इन्होंने ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लाई करना है अपने प्रीवियस ऑर्डर्स के लिए और उनको डिसबर्स करने हैं एरियस टू द एलिजिबल पेंशनर्स ऑफ द आर्म फोर्स बाय 15th March 2023। 15th March 2023 की इनको एक डेडलाइन दी गई है। जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये बोला कि कितने लाख एक्चुअली में लोग हैं जो मर चुके हैं इस पेंशन का वेट करते करते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको कंप्लाई किया जाए एंड एज सून एज पॉसिबल ये जो एरियर्स हैं ऑफ दिस स्कीम इसको डिसबर्स कर दिया जाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। Women also contributed to the drafting of the constitution. जब हमारा constitution of India draft हो रहा था, तो founding fathers and founding mothers both were there. So there were women and men both who contributed in the drafting of the constitution. And हमारे chief justice of India D.Y. Chandrachoorn ने ये explain किया कि why he wrote founding fathers and mothers of the constitution. उन्होंने ये बोला कि वो women को भी respect देना चाहते हैं, उनके भी efforts को recognize करना चाहते हैं। जब एक dispute था regarding the Delhi government and center, और ये matter उनके सामने hearing के लिए आया, तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि why he had actually written the word founding fathers and mothers of the constitution in the 2018 constitution bench in the government of NCT of Delhi versus Union of India. तो students इस केस का नाम याद रखना है कि कौन से केस में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स वर्ड यूज किया था। 10th पॉइंट कहता है यूनिफॉर्म एज होनी चाहिए मैरिज के लिए फॉर मेन एंड वुमेन। आप हमारे जब डिफरेंट लेजिस्लेशंस की बात करते हो तो आप देखोगे कि डिफरेंट लेजिस्लेशंस ने मैरिजेबल एज के बारे में बात करी है, जैसे कि सेक्शन 60 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऑफ द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, सेक्शन 4 सब क्लॉज सी ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। और इन्होंने क्या बोला है, ये जो पूरी बात थी दिस वॉज रिलेटेड टू द इशू ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। यूनिफॉर्मिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिजल्टिंग इन टू डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। देर वॉज अ कंफ्लिक्टिंग व्यू ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 and 21, एंड जो ये जजमेंट्स थी दीज वर इन्वॉल्विंग जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी के इश्यूज। जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये बात बोली कि जो मेन है उनको तो अलाउड होता है 21 years उनकी मिनिमम एज है, बट जो वुमेन है उनकी एज है 18 साल। जो ये डिफरेंस है ये एक पेट्रियार्कल स्टीरियोटाइप सोसाइटी को प्रमोट करता है। और इन्होंने ये प्रे किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए कि जो ये अनोमलीज हैं मिनिमम एज के रिगार्डिंग जेंडर न्यूट्रल नहीं है, इसके बारे में इनको एक्शन लेना चाहिए। स्टूडेंट्स ये केस अभी भी पेंडिंग है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और जब इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा वी विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन दैट रिगार्ड। अब बात करते हैं एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में इनॉग्रेट किया गया, और इसका फोकस क्या था, इसका फोकस था ऑन हेल्थ ऑफ द स्टाफ इन द न्यू ईयर। सेंटर को फैसिलिटेट करा, सेंटर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करता है वो है योगा की, कार्डियो की, अलॉन्ग विद रेगुलर जिम इक्विपमेंट्स विच कैन बी यूज्ड बाय द स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 13 January 2023 को ये हुआ। 12th पॉइंट की बात करें, लाइव स्ट्रीमिंग की बात चल रही है,
इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म रखें कोर्ट्स के अंदर. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात बोली, उन्होंने बोला एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट प्रेजेंट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट इज हैपनिंग एंड बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी ये चीज को प्रमोट कर रहे हैं और ये सबको यूट्यूब चैनल पे दिखा जा रहा है. तो एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है जिससे कि हमारी पब्लिक को भी बहुत हेल्प होगा एंड दे विल बी अपडेटेड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट्स अक्रॉस इंडिया. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की. ऑर्डर 26 रूल 9 क्या कहता है? कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन. तो फैक्ट्स इस केस के ऐसे थे कि एक केस फाइल किया गया था फॉर सूट फॉर सीकिंग डिक्लेरेशन दैट दे हैव द राइट टू एक्सेस अ बाईपास रोड. जो हमारा एपी हाई कोर्ट था उन्होंने एडवाइस किया कि जो हमारे एडवोकेट कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता टू कलेक्ट एविडेंस फॉर द केसेस जहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है अबाउट द प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. ये केस का नाम है कंदुकुरी राजा बाबू वर्सेस द राजमुंद्री म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑर्डर 26 रूल 9 के अंदर आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो एडवोकेट कमिश्नर जहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है अबाउट द प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एंड इट्स मेजरमेंट. लोकल इन्वेस्टिगेशन ही सही तरीका है एक्चुअली में फाइंड करने का पोजेशन के रिगार्डिंग विच वॉज द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी. अंडर द गाइज ऑफ द लोकल इन्वेस्टिगेशन द पार्टी हु इज मेकिंग एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एविडेंस. ये इस केस में बात करी गई. इन द प्रेजेंट केस कोर्ट ने ये चीज करी जब कोई भी डिस्प्यूट नहीं है ऐसी चीज के बारे में लोकेशन ऑफ द शेड्यूल प्रॉपर्टी एंड ऑल तो आप एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट नहीं कर सकते हो. इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंक्रोचमेंट ओवरलैपिंग ऑफ प्रॉपर्टी रिलीफ सॉट बाय द प्लेंटिफ टू नोट डाउन द फिजिकल फीचर्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड दैट इज नॉट परमिसिबल बाय द कोर्ट. द प्लेंटिफ्स को अपना केस खुद से प्रूव करना पड़ेगा और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? प्लेंटिफ के ऊपर है और ना कि वो ये जो इम्परमिसिबल तरीके से एविडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं वो अलाउ किया जाएगा. 14th पॉइंट कहता है सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया एलिवेशन ऑफ अ जज जुडिशियल ऑफिसर एज गुवाहाटी हाईकोर्ट जज. तो बेसिकली 10th जनवरी को एक मीटिंग हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने अप्रूव किया कि एलिवेशन ऑफ श्री मृदुल कुमार कलिता जुडिशियल ऑफिसर एज जज इन द गुवाहाटी हाईकोर्ट. तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन से जजेस का एलिवेशन हुआ कौन से कोर्ट में हुआ, ये आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया प्रपोजल फॉर एलिवेटिंग 2 जुडिशियल ऑफिसर्स एज जजेस इन मणिपुर हाईकोर्ट. तो बेसिकली 10th जनवरी की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, अप्रूव किया गया एलिवेशन ऑफ 2 जुडिशियल ऑफिसर्स एज जजेस इन मणिपुर हाईकोर्ट. क्या क्या नाम है इनका? श्री अरिबम गुणेश्वर शर्मा एंड मिसेस गोलिमा गयपुसलिकु कबाय. सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया एलिवेशन ऑफ 2 जुडिशियल ऑफिसर्स एज जजेस इन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट अगेन इन द मीटिंग ऑफ 10th जनवरी 2023. अप्रूव किया गया प्रपोजल और क्या है जजेस का नाम? श्रीमती पी वेंकटा ज्योतिरिमाई एंड श्री वी गोपालकृष्ण राव. तो नाम याद रखना जरूरी है स्टूडेंट्स. सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम रेकमेंड्स एलिवेशन ऑफ नीला गोखले एज द बॉम्बे हाईकोर्ट जज. तो 10th जनवरी की जब इनकी मीटिंग हुई थी तो इन्होंने ये प्रपोजल को अप्रूव किया कि नीला केदार गोखले जो एडवोकेट हैं वो जज बनेंगी बॉम्बे हाईकोर्ट की. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट किया है जैसे कि मालेगांव ब्लास्ट केस में भी इन्होंने अक्यूज को रिप्रेजेंट किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रेजेंट स्ट्रेंथ कब कितनी हो गई है? 60 of 65 जजेस अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 94 जजेस. तो जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की स्ट्रेंथ हो गई थी 65 जजेस. सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंडेशंस करी कि वो अपॉइंटमेंट करे कर्नाटका हाईकोर्ट जजेस की और कौन से थे वो 2 जजेस जिनका नाम था श्री रामचंद्र दत्तराय हुडर एंड ऑल्सो श्री वेंकटेश नायक थ्रवेतुंग. इनको इन्होंने रेकमेंड किया. अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की. जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए, ये जब आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट की वीकली जजमेंट्स की बात करी तो मैंने आपको ये भी बोला था कि ये आपके प्रिलिमिनरी मेंस के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनका प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराना भी मेरा ही फर्ज बनता है. तो आइए देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम रेकमेंड्स एलिवेशन ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर एज गुवाहाटी हाईकोर्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द जज? जस्टिस दत्ता, श्री मृदुल कुमार कलिता, श्री राकेश चौहान या फिर लीला सेठ. तो स्टूडेंट्स हमने ये चीज अभी करी थी कि कौन है उन जज का नाम, क्या है उन जज का नाम. श्री मृदुल कुमार कलिता इज द करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन टू देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाई होम? जस्टिस दत्ता, श्री मृदुल कुमार कलिता, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ या फिर जस्टिस रंजन गोगोई? चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थ्री, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर क्वाशिंग FIR अगेंस्ट यूट्यूबर मरिदास, व्हाई? इट वाज अ फॉल्स FIR, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, हाई कोर्ट एक्टेड इन अ हेस्ट मैनर, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इसको अभी हमने डिस्कस किया था, हाई कोर्ट एक्टेड इन अ हेस्ट मैनर, चार दिन के अंदर इन्होंने FIR को क्वाश कर दिया गया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रॉपर रीजनेबल टाइम भी नहीं दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट गेव रिलीफ टू सिक्किमीज वुमेन इन विच केस? कौन से केस में दिया? एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम वर्सेस स्टेट ऑफ असम, विशाखा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये डिस्कस किया था, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ अपडेटेड रहना है, जो कि आपके लैंडमार्क जजमेंट्स बनेंगी, आपके प्रेसिडेंट्स की तरह एक्ट करेंगी, आपको हेल्प करेंगी आपके जुडिशरी की प्रेपरेशन में, एंड ऑल्सो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस आर कंट्री एंड सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजंस दे रहा है। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड हम लाएंगे आपके लिए और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जजमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।